हेलो गाइस, इट्स श्रेया। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्ले विथ आर्ट। हम सभी जानते हैं कि बंगाली लोगों का जो बिगेस्ट फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, वो आने ही वाली है, कुछ ही दिन बाकी है। सो मैंने सोचा क्यों ना दुर्गा पूजा से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए एंड हैप्पी पूजा टू ऑल एडवांस। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है एक मिट्टी का प्लेट जिसको बंगाली में कहते हैं शोड़ा। तो उसके ऊपर मैंने जेसो का एक कोट अप्लाई किया है। पूरी प्लेट पे जेसो अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे एक पेंसिल की हेल्प से देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी पोज ड्रॉ किया है। आप लोगों भी कोई भी पेंसिल से देवी दुर्गा की एक पोज क्रिएट करें और उसको इरेजर के हेल्प से थोड़ा सा रिमूव कर लें। इसके वजह से आपको एक बेसिक रफ स्केच मिल जाएगा एंड आपको पेंटिंग करने पे भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने देवी दुर्गा माँ की फेस एंड स्किन को पेंट किया है। फेस एंड स्किन कंप्लीट होने के बाद मैं धीरे धीरे करके अदर एलिमेंट्स को कलर करना स्टार्ट कर दूंगी। आप ध्यान पे रखें कि आपको धीरे धीरे करके पेंट करना है, जल्दबाजी मत कीजिए, इससे आपका पेंटिंग खराब हो सकती है। आप पेशेंस से थोड़ा थोड़ा करके क्रिएट कीजिए। मैंने यहाँ पे देवी माँ का साड़ी को रेड कलर किया है, इससे हमारा पूरा पेंटिंग बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगा एंड आप ऊपरी हिस्से को ग्रीन कलर करें तो अच्छा है। आप अपने मर्जी जैसा भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज किया है। Thank you.
देवी माँ की पूरी बॉडी कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके टेक्निकल पेन से डिटेलिंग को ऐड करेंगे, बॉर्डर लाइन ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा पेंटिंग थोड़ा और रियलिस्टिक दिखे एंड थोड़ा और प्रोमिनेंट दिखे। नाउ इट्स टाइम फॉर महिषासुर। देवी माँ एंड उसके वाहन को कलर करने के बाद हम महिषासुर को भी कलर करना स्टार्ट कर देंगे। देन उसके ऊपर भी हम टेक्निकल पेन की मदद से थोड़ा थोड़ा करके डिटेलिंग ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा महिषासुर भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखे। आप लोगों से बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा एंड सब्सक्रिप्शन करना तो बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगती है, सो एक लाइक तो बनता ही है। आप लोगों के हर एक लाइक्स एंड कमेंट्स मेरे पास बहुत 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 ज्यादा मायने रखती है। आप लोगों को नहीं पता होगा शायद कि आप लोगों के हर एक लाइक्स एंड कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड करती है गाइस, सो प्लीज बहुत ज्यादा ढेर सारे लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिए, कीप लविंग मी एंड आपका सपोर्ट मुझे देते रहिए। आई होप आई विल गेट constant support from you guys। Okay, now moving on our video again। पेंटिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद हम देवी दुर्गा माँ की बैकग्राउंड पे थोड़ा सा येलोइश टोन यूज करेंगे, जैसे कि हमारा पेंटिंग थोड़ा सा ड्रामेटिक दिखे। इसके बाद हम रेड कलर से बॉर्डर लाइन मतलब कि एजेस को पूरा कलर कर देंगे एंड येलो कलर के साथ थोड़ा थोड़ा करके रेड कलर को ब्लेंडिंग करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारा पेंटिंग थोड़ा और ड्रामेटिक दिखे। सो हियर इज द फाइनल रिजल्ट गाइस, आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ये कैसा लगा। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो गाइज, see you in the next video, thanks for watching, till then take care, stay safe, stay creative, bye bye।